तो सबसे पहले हमारा सबसे मुश्किल जो है हमारी ये रोड जो है, पहले भी हमें वही थे, आज भी वही, इस नतीजे पे हमको चलना पड़ता है। क्योंकि हम सोच रहे थे अब हमें रोड निकाला तो हमें ये बोझ जो है हमारे ये पब्लिक से छूट गया, सोच के हम बहुत खुश थे। लेकिन अब भी अभी वही है जहाँ से हम चल के आते थे, जो बोझ कंधे पे उठा के आते थे वही होते हैं, जो हमें कोई पेशन होते थे वही पेशन हम स्ट्रेचर में लगा के कंधे पे उठा के जहाँ लेते थे वही इस वक्त भी है। सबसे पहले हमको मैं सबसे अपील करता हूँ, सबसे सीसी साहब के लिए अपील करता हूँ कि हमारे रोड के लिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके हमें इस मुश्किल से आगा करें। और दूसरी बात, हमारे पब्लिक के लिए ये वाटर सप्लाई जो पानी जो है, इसमें हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये चश्मे का कोई पानी नहीं है, इससे पानी जो है ख़राब की वजह से हमें बहुत से पब्लिक के लिए मुश्किल होते हैं कि किसी को अपेंडिक्स के बीमारी, जबकि इस बारे में हमने लेबॉरेटरी वालों के पास ये पानी का टेस्ट करने के लिए ले लिया तो पानी जो है बिल्कुल ख़राब ही है। तो इसलिए मेहरबानी करके इस पानी के बारे में भी कुछ करे तो गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात, हमारा और गांव की इस लेवल में बोलते हैं कि करकिछू गांव एप्पल और के खुबानी के हिसाब से बहुत मशहूर में माना जाता है, लेकिन हम बोलता है, हम सोचता है इससे भी हमारा जहां खुम्बुथंग करकिछू खुम्बुथंग उसमें इससे भी बड़े चढ़कर बट चढ़ के एप्पल और ये खुबानी के दर होते हैं। लेकिन हमारी बदकस्मती की वजह से ये चश्मे का पानी जो है वो सूख के 3-4 साल हो रहा है, लेकिन उसके लिए एडमिशन जो है आज तक। देखो फिरोज साहब, एक तो मैं आप लोगों का पूरे मीडिया फैटनलिटी का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां आज तशरीफ़ लाए करगिछू में। तो सब जानते हैं कि करगिछू जो है पूरे लद्दाख में, यानी एबरिकॉट के हिसाब से माना जाता है, बहुत मशहूर है पूरे लद्दाख में एबरिकॉट। लेकिन अब आप लोगों ने आप लोग जब अब यहाँ पहुँचे तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ की हालात क्या है। इस वक्त रोड के लिए लोगों ने पहले डिमांड किया था, लेकिन रोड तो एक ही रात में कुछ यूं टूं करके रोड तो निकाला, लेकिन वो रोड नहीं मिला जो लोगों को ज़रूरत था। जैसी ज़रूरत थी लोगों को वैसा रोड जो है देखने को हमें नहीं मिला। यूं टूं करके एक रोड निकला था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं उसका ना तो लोगों को अब तक पेमेंट हुआ है, ना तो कंपनसेशन ट्रीज़ कंपनसेशन, ना तो लैंड कंपनसेशन, कुछ भी अभी तक लोग मुश्किलात में। इस वक्त लोगों ने कई बार इस चीज़ को जो है हुकूमत बालाक तक इसको पहुँचाने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक सुनाई इसमें कोई भी सुनाई जो है नहीं हुई है। इस वक्त हमने फिरोज सीसी साहब से भी गुजारिश की इस हवाले से, तो इसके अलावा यही सबसे मेन इशू जो है रोड का मसला था करगिछू का, ये हल तो हुआ है, लेकिन इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रोड जो है अभी हम आपको ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को मिल नहीं रहा है। हम हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि रोड को जो है बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से जो दीगर जगहों पर जो रोड बनाए उस तरीके से रोड को बनाया जाए ताकि लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सके, और जितने भी जो ट्रीज कंपनसेशन जो है पेंडिंग है इस वक्त उसको भी दिया जाए। उसके साथ साथ पानी के बारे में आप लोगों को पहले ही हमारे नायब सरपंच मोहम्मद साहब ने बताया कि पानी जो है बिल्कुल ख़राब पानी इस वक्त पी रहा है लोग। बड़गाम के जो नाले से वहाँ से जो पानी आते हैं वो पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है। तो हम हुकूमत से जानना चाहते हैं, मेहरबानी करके जितना हो सके इस पानी के लिए भी कुछ इलाज करें। पाइप वगैरह यहाँ पर नहीं है, पाइप सिस्टम वगैरह की जिससे पानी हम पी सके? ना, पाइप सिस्टम है, पानी वही आ रहा है, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं है। वो पानी जो है पीने के काबिल नहीं है बिल्कुल, वो ख़राब है बिल्कुल। इसी पानी के बारे में इससे पहले भी बहुत सारे मतलब हमारे लोगों ने, वॉलंटियर्स ने कई बार हुकूमत को कहा, लेकिन इसमें कुछ तक अभी तक कोई सुनवाई जो है नहीं हुआ है। गाँव के सारे माँ बहनें यहाँ पे मौजूद है। जब इस रोड को लाया गया तो कहा कि सेक्शन 14 लगा है, यानी बाई फोर्स लाया गया, तो हमने बोला ठीक है। और ख़ुद में जो मेरा जो है अपना ज़मीन, अपना जो जितना भी हमारे जो अपनी ख़ानदान का जो है मोस्टली जो है यहाँ से हमारा जाता है, और कहने लगा है कि आप लोगों को जो है हम रोड जो है 14 सेक्शन 14 लगा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम जोला निकलेंगे, आप लोग रोड लाइए, क्योंकि हम तरक्की पसंद है, हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज तक इसका मरम्मत नहीं है, और ये घर देखिए हमारा चाचा का जो है, ये दूसरे चाचा का है, किस हालत से, किस कंडीशन से ये है।
हाँ ये मेरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुताला है। ये देखिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यूटी जब से यूटी आया तो हमारे जो है बजट जो है बढ़ जाती है, एज ए स्टेट से जो है बजट जो हमारे यूटी बढ़ जाते हैं, तो जब भी हम जाते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं बजट नहीं है हमारे पास, कोई इसका जो है बजटिंग अभी रखा नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इतनी जानी नुकसान होने से पहले आप हमें थोड़ा सा हमारी फरियाद सुनिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम जो है पूरी फैमिली के साथ जो है पीछे नीचे दरिया में आ जाए। बहुत खस्ता हाल है, बहुत। आप देखिए, खुद देखिए फिरोज साहब किस हालत से, देखिए वो लड़की मजबूर है, वो कोई फरियाद सुन के अपडेट। और मैं हूँ फिरोज खान करगिल लद्दाख से। दर्शकों, आज हम पहुँच रखे हैं कारगिल के करकिचू गांव में, जो LOC के नज़दीक है। अगर मैं बात करूं, इन दिनों यहां पे एप्रिकॉट ब्लॉसम का सीज़न चल रहा है, और इसके साथ साथ इन दिनों यहां पे जो लोगों का कहना है कि यहां का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। लगभग 2 साल पहले यह रास्ता यहां पे बनाया गया था, लेकिन अभी भी इस रास्ते को जो है सही तरीके से यहां पे मेंटेन नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में यहां पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पीने के पानी को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे लोगों में यहाँ पे देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि जो पीने का पानी है वो दूसरे गांव से इस गांव में यहाँ पे आता है, तो पानी कम से कम 50% यहाँ का जो पानी है वो गंदा है। इनका कहना है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे साफ़ पानी जो है, साफ़ पानी के नल जो हैं वो लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। और इसके साथ साथ जहाँ बात होती है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन का जो स्तर है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बच्चे जो है यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इन इश्यूज को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जो गवर्नमेंट है और इसके साथ साथ जो CC करगिल हैं वो किस तरह के इकदाम यहाँ पे उठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इब्राहिम फिरदौस के साथ मैं फिरोज़ खान, JK अपडेट के लिए करकिचू करगिल लद्दाख से। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।